तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्भा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था, जिसकी वजह से उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से मौजूद था। जिसके बाद उसने कठोर तपस्या और परिश्रम करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। और एक बार ऐसी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मदेव को अपने चढ़ाया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल बन गया। साथ ही उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर आ गई, जिसकी वजह से जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काटता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और रावण ऐसे फाइट करता रहता था जैसे कुछ हुआ ही ना। और ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से कोई भी सुर असुर नाग पशु देवता या दानव रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे, और रावण को मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक योद्धा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था, और उसने कई युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। और तीनों लोकों में किसी के लिए भी रावण को मारने हरा पाना लगभग असंभव था, जिसकी वजह से एक बार रावण ने हमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था, और शनिदेव पे भी आक्रमण करके उसे भी बंदी बना डाला था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि इवन वज्र सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सब उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। और रावण के रीजनरेशन और युद्ध कौशल को हमने फाइनल फाइट में देखा था, जहां पर उसने अपने सैकड़ों सिरों को रीजनरेट किया था, हनुमान और लक्ष्मण जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था, और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तामसास्त्र से मार डाला था। बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो रावण के पास इमेंस स्ट्रेंथ थी, और वो कभी भी अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसमें पूरी सृष्टि के साथ साथ उसके अपने भी मारे जाएंगे। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक एक्सपर्ट फाइटर और ट्रेन वॉरियर था, जिसे हर टाइप के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना आता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर सकता था, लोकी की तरह फिजिकल इल्यूजन क्रिएट कर सकता था, और एंटमैन की तरह अपने साइज को जितना बड़ी चाहे उतना छोटा या बड़ा भी कर सकता था। साथ ही रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने हजारों मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था, और उसकी हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि किसी भी प्लैनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय तक कर सकती थी, और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसका सामना करना या उसे हराना लगभग असंभव था।